हेलो, गुड मॉर्निंग। अज आप चैप्टर करन जा रहे हैं सेकंड इंट्रोपी एंड कारनोट साइकिल। ये आप पढ़ांगे इंट्रोपी तो आप पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं, हूँ थर्मोडायनेमिक्स की होंगे, कारनोट हीट इंजन बारे पढ़ांगे। कारनोट साइकिल की है कहना तो ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स है विच डील द स्टडी द थर्मल सिस्टम, जिसे थर्मल सिस्टम आप स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द इंटरनल स्ट्रक्चर। वो इंटरनल स्ट्रक्चर आप काउंट नहीं करते और वो थर्मल बिहेवियर आप काउंट करते हैं, उन्होंने आप कहने थर्मोडायनेमिक्स। पहला डेफिनेशन पता नहीं है, दूसरा हीट के वर्क की है, मतलब हीट के वर्क दोनों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ने, दोनों एनर्जी ने। जो कहना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग पार्टिकल टू मावी मूविंग पार्टिकल ने सिस्टम के अपनी एनर्जी जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सो डैट डिसऑर्डर द मोशन इंटरैक्टिंग द सिस्टम इनक्रीज इज कॉल्ड हीट। जो डिसऑर्डरनेस इनक्रीज होंगी है, दोनों एक दूसरे कोलाइड करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ एक एनर्जी जी रिलीज होंगी है, जिन्होंने आप कहने हीट। एनर्जी सो ट्रांसफर इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ हीट, जिनी एनर्जी ट्रांसफर होंगी अमाउंट ऑफ हीट कहने, ठीक है। हूँ देखो जी क्यू है इज डिफाइंड एज इंटरनल एनर्जी इन ट्रांजिट, जी क्यू की है इंटरनल एनर्जी है जी ट्रांजिट होंगी है। वैन द सिस्टम गेन कर द हीट जां सिस्टम गेन बाय द हीट कन्वर्ट इन टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो हीट लॉस करता तो इंटरनल एनर्जी जी हीट कन्वर्ट हो जाती है। अगे वर्क डन की है डॉट प्रोडक्ट है फोर्स डिसप्लेसमेंट का, ठीक है। इसी पहले पढ़ी है अगर साइन कन्वेंशन जरूर याद रखनी पैनी इन्हें, इस साइन कन्वेंशन की ने जी इंटरनल एनर्जी है जिदा बाय द सिस्टम आर टेकन एज पॉजिटिव, जे गेन इन द इंटरनल एनर्जी हुई है सिस्टम की तो टेकन एज पॉजिटिव, लॉस इन इंटरनल एनर्जी ने अपना नैगेटिव लिखना, ये ध्यान रखना ये चीज़ा बहुत जरूरी ने। जे लॉस होया तो आप नैगेटिव लिखना, जे मतलब इंटरनल एनर्जी गेन हुई है तो पॉजिटिव लिखना। गेन इन द हीट बाय द सिस्टम पॉजिटिव, जे हीट सिस्टम ने गेन की है तो पॉजिटिव है, जे हीट लॉस की है तो नैगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज नैगेटिव, जे वर्क डन बाय द सिस्टम करता वा ये चीज़ ध्यान रखना। देखो हूँ इंजन, जे इंजन ने काम करके दिता तो आपको पॉजिटिव मनोंगे, जे हूँ आप इंजन के काम कर लगे फिर नैगेटिव हो गया, ये उल्टे चलना ये जाए नहीं। वर्क डन बाय द सिस्टम अपन टेकन एज नैगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम जे आप सिस्टम से वर्क करते हैं उन्होंने पॉजिटिव लेना नैगेटिव लेना, इन्हें मतलब गलत काम हो रहा है। जे हूँ इंजन तुम चला रहे हो, मान लो कार आ कार बैठ गए, जो कार में तुम रोड़ के लेके जाना पैंता फिर वो इंजन का की फायदा, यदा मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नैगेटिव हो गए, ठीक है। जो वर्क कार थोड़ा लेके जा रही है तो पॉजिटिव, ठीक है। उस तो बाद यूनिट ऑफ हीट की है, यूनिट ऑफ जो वर्क डन की यूनिट होंगी है जौल होंगी है, ठीक है। इस तरह जी हीट दूनिट ने वो भी कैलोरी के ने जौल के, ठीक है। मेजर है कैलोरी एंड किलो कैलोरी, द कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट अबजॉर्ब बाय द 1 ग्राम ऑफ वाटर वैन द राइज द टैंपरेचर बाई 1 कैलोरी। 1 कैलोरी जी हीट अमाउंट ऑफ द जी हीट है अबजॉर्ब बाय द 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम जो वाटर ने जिनी हीट अबजॉर्ब की, ताकि जो टैंपरेचर है कि राइज हो गया 1 डिग्री कैलोरी, उन्होंने आप कहने अपना कैलोरी, ठीक है जी। हूँ आप अगर नैक्सट चलते हैं, अगर आप फार्मूला देखो 1 किलो कैलोरी जी को 1000 कैलोरी भी बराबर होंगे। उस तो बाद एक्सप्रैशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्पैसीफिक हीट आप पढ़ते हैं, एक CP तो CV। स्पैसीफिक हीट की है जी क्यू जी आप हीट ऐड की डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू माल मोल ऑफ द गैस जो अपना मास है इन टू टैंपरेचर, जिन्हें टैंपरेचर चेंज हो कन्वर्ट हो जाती है, तो एम क्यू इक्वल टू सी कॉन्सटेंट प्रोपोर्शनल एम डेल्टा डी है। हूँ सी की है कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनल जिन्होंने आप स्पैसीफिक हीट नाम जो रखेंगे। हम देखो स्पैसीफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू राइज द टैंपरेचर ऑफ मास थ्रू यूनिटी। स्पैसीफिक हीट की है कहना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जी राइज द टैंपरेचर यूनिट मास थ्रू यूनिटी, ये वो हीट जिनी आप हीट चाहिए है 1 ग्राम जो सबस्टेंस यूनिट मास में यूनिट टैंपरेचर तक जिन्ना राइज कर टैंपरेचर यूनिट ही चेंज करनी, मतलब 1 टैंपरेचर 2 गर्म ने 1 यूनिट हो गया, उन्होंने जिनी हीट चाहिए उन्होंने आप कहने स्पैसीफिक हीट, ठीक है जी। हम मोलो स्पैसीफिक हीट होंगी है कैप्टर सी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये भी उद्दी होंगी है इट इज डिफाइंड एज ये 2 तरह की होंगी है, ठीक है। एक CP तो एक CV, एक कॉन्सटेंट हीट स्पैसीफिक हीट है कॉन्सटेंट वॉल्यूम, एक स्पैसीफिक हीट है कॉन्सटेंट प्रैशर। हम मो
मोल स्पेसिफिक हीट की है, इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब वन यूनिट नहीं, ग्राम नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस आ व्हेन इट्स राइज द टेंपरेचर थ्रू वन केल्विन। जो टेंपरेचर वन केल्विन राइज करता वन मोल ऑफ सब्सटेंस आ तो जिनी हीट अपन चाहिए सी उन्होंने अब्जॉर्ब की उन्हें, उन्होंने आप कहने मोल स्पेसिफिक हीट। ठीक है, दो तरह के होंगे, कॉन्सटेंट वॉल्यूम इट इज डिफाइंड एज, हम मोलर स्पेसिफिक हीट अपन चलो द्वारा कर लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट है कॉन्सटेंट वॉल्यूम की होंगी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब बाय द वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन द टेंपरेचर राइज बाय ए वन केल्विन एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम। जो वन मोल के जो सब्सटेंस आ टेंपरेचर राइज करता वन केल्विन एंड कॉन्सटेंट वॉल्यूम से, उन्होंने आप कहने सी वी। सी वी अगे स्पेसिफिक हीट कॉन्सटेंट प्रेशर सी पी के बराबर अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब वन मोल ऑफ सब्सटेंस टेंपरेचर राइज वन केल्विन एंड कॉन्सटेंट प्रेशर, ये दोनों चीज़ा ने। ठीक है, दूसरी गल ये है भी परफेक्ट जी डेल्टा क्यू जी हीट आ वो पाथ डिपेंडेंट है, डेल्टा क्यू जी हीट एड करते हैं वो डिपेंड करती है पाथ उत्ते। ठीक है, इस करके इनू आप डेल्टा डी क्यू नहीं लिख सकते, आप डेल्टा क्यू ही लिखा, क्योंकि जो पार्शियल डेरीवेट होंगे जो पाथ डिपेंडेंट आप पार्शियल डेरीवेट लिखते हैं, जो इनिशियल से फाइनल कंडीशन डिपेंड करते हैं पाथ डिपेंड नहीं करते, उन्होंने आप कहने फुल डेरीवेट डी। ठीक है, एक्सप्रैशन फॉर द वर्क डन बाय द सिस्टम ते ऑन द सिस्टम, आप एक्सप्रैशन कटना वर्क डन किवें होंदा वा। देखो आप एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर दे विच एक मिनट होल्ड करियो। ठीक है, सिलेंडर दे विच उस तो बाद आपने जिहड़ी वैल्यू लिती है वो हैगी है जिवें कि हैलो हैलो आपने को सिलेंडर है, सिलेंडर दे विच आपने एक पिस्टन फिट करता। ठीक है, पिस्टन के गैस अपना पाई हुई है। ठीक है, इनू मैं हूँ उपर प्रैशर लाया। ठीक है, जो आप फोर्स लाई तो यह डिस्प्लेस हो गया कि डिस्टेंस डी एक्स, तो ये वर्क डन किया, वर्क डन के बार आप गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कि है फोर्स फोर्स पी प्रैशर हो गया इंटू वॉल्यूम जिन्ना चेंज होया वॉल्यूम घट गया। ठीक है, ए इंटू डी एक्स वॉल्यूम के बराबर एरिया इंटू लेंथ ना मल्टीप्लाई करता, ए इंटू डी एक्स वी आ गया, तो डेल्टा डब्ल्यू जी करा गया पी इंटू डी वी आ गया। अगे थर्मल स्टेट ऑफ द सिस्टम की है, द थर्मल स्टेट ऑफ द सिस्टम होमोजेनियस सिस्टम है जिदे कहना भी जिदे अपनी अपने थर्मल स्टेट का मतलब की है भी जोड़िया वेरियम अपने वेरीएबल्स ने थर्मोडायनामिक वेरीएबल्स ने प्रैशर वॉल्यूम टैंपरेचर उन्होंने जी पोजिशन है की है उन्होंने थर्मल स्टेट कहने, ये मतलब जी थर्मल स्टेट जी थर्मोडायनामिक वेरीएबल कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ प्रैशर वॉल्यूम टैंपरेचर इक्वल टू जीरो, इनू आप इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम कहने। हम परफेक्ट गैस लिए जी इक्वेशन होंगी वो की होंगी पी वी इक्वल टू एन इंटू आर टी, जे एन की वन वैल्यू लें तो पी वी इक्वल टू आर टी आ गया। हम परफेक्ट जी गैस होंगी और कोई इंट्रैक्शन नहीं होंगी पार्टिकल कोई फोर्स नहीं होंगे, ठीक है, इस करके इंटरनल एनर्जी भी चेंज विद रिस्पैक्ट टू वॉल्यूम की है एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर की होंगी जीरो होंगी, तो आप इतने वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जी इंटेन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पैक्ट प्रैशर कॉन्सटेंट प्रैशर आसो जीरो, क्योंकि देखो जी इंटरनल एनर्जी वो टैंपरेचर ना चेंज करनी है। ठीक है, पर जो मॉलीकूल्स ने उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई नहीं होंगी, इंट्रैक्शन कोई फोर्स नहीं होंगी, इस करके उन्होंने जी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होंगी। तो करली यूपन करली पी एट कॉन्सटेंट टी वी जीरो होगी, करली यूपन करली वी एट कॉन्सटेंट टी वी जीरो होगी, तो हम कला इंटरनल एनर्जी का फंक्शन रहेगी परफेक्ट गैस की कल टैंपरेचर का, यदा मतलब परफेक्ट गैस के कला टैंपरेचर का ही फंक्शन होंगी है इंटरनल एनर्जी। अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की है, कहने द सिस्टम ऑफ इंट्रैक्टिंग जी सराउंडिंग है सैड टू बी इक्विलिब्रियम वैन नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैटर टेक प्लेस बिटवीन दैम। इक्विलिब्रियम कदों होंदा जो एक दो बीकर लते ने अपन, मान लो इतने पानी के बीकर ले लिए, ठीक है, कई पता इन मैं पाइप देना थोड़ा गली कट के इन आपस में जोड़ता इधर पानी पूरा भरया, तो इक्विलिब्रियम कदों होगा जो दोनों भी पानी इधरों इधर फ्लो करना शुरू कर दूगा, एक टाइम यह होगा दोनों दोनों च पानी बराबर हो जाएगा, तो वो की है इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इस तरह सिस्टम के सराउंडिंग इक्विलिब्रियम स्टेट होंगी है जो जी एनर्जी की एक्सचेंज होनी बंद हो जाती है, मान लो एक बॉडी गर्म सी एक बॉडी ठंडी सी, दोनों कंडक्ट किया तो जी हीट एक्सचेंज होनी शुरू होगी हाई टैंपरेचर लो टैंपरेचर, थोड़े टाइम पर की होगा जो भी टैंपरेचर या टैंपरेचर सेम हो जाएगा तो हीट ऑफ एक्सचेंज की है बंद हो जाए, उन्होंने आप कहने थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, द सिस्टम इज सेट द सिस्टम जिसे मकैनिकल इक्विलिब्रियम हो कैमिकल तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो विद सराउंडिंग, तो उन्होंने आप कहने थर्मोडायनामिक, जिसे तिने चीज़ा इक्विलिब्रियम के आ जाए उन्होंने आप कहने
थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम, जिसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फोर्स जी है दोनों पासे बराबर हो जाए, कैमिकल जो कैमिकल रिएक्शन नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम जिसे टैंपरेचर हीट चेंज ना हो, जो तिने ये हो गए तो इन्हों आप कहने थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम। अगे है वा अगला एक लाव अपने को जीरथ लाव ऑफ थर्मोडायनमिक्स। जीरथ लाव थर्मोडायनमिक्स की कहता वा, कहना एक ए पार्टिकल है, ए सिस्टम है, ठीक है, वह की है ये थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी अपना आ बेच इंसुलेटर बाल की हुई है, बी एना दोनों जी हीट है चेंज नहीं हो सकती, हूँ जो ए है वह थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है, ये बी जो थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम सी दे, ये दोनों थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम के ने, हूँ जे मैं पार्टीशन रिमूव कर देव तो यह दोनों भी थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम हो गए, तो यह मतलब कि दो सिस्टम है वो थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम है तीजे सिस्टम के नाल, दोनों आपस में जो सिस्टम हो गए वो भी थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम के हो गए। यह जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स, ठीक है। इस तो बाद आप करते हैं इंडीकेटर डायग्राम। इंडीकेटर डायग्राम की है, जो आप जो अपनी जो फंक्शनस आ जी अपनी किसी भी थर्मोडायनमिक स्टेट आप कढ़नी है तो वह तीन चीज़ आपको चाहिए ने, एक प्रैशर, वॉल्यूम एंड टैंपरेचर, ठीक है। इन तिना जो इक्वेशन लिखते हैं तो इन दो वेरीएबल्स अपन जरूरी होंगे ने, जिसे आप सिस्टम पूरी तरह डिस्क्राइब कर देने। हूँ आप सपोज कर लें प्रैशर तो वॉल्यूम ही दोनों आप सिस्टम मान लें जोड़े वेरीएबल्स ने जिन्हों ना आप पूरे सिस्टम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप एक ग्राफ ड्रा करा प्रैशर तो वॉल्यूम के, ठीक है, एक जी फॉरवर्ड डायरेक्शन एक चल रहे सिस्टम इतों बैकवर्ड डायरेक्शन आ गए, दोबारा एक साइकिल इक्विलिब्रियम बन गया। हूँ पहला ए सी बी गया, फिर बी डी ए आ गया, हूँ वर्क डन कि बराबर हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू डबल्यू इक्वल टू वी वन टू वी टू पी इन टू डी वी, वॉल्यूम चेंज हो गया वी वन टू वी टू, तो इन्हें की आप सारा सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये इंडीकेटर डायग्राम के नाल जिन्हें पी वी डायग्राम जी कहने, पी वी प्लॉट भी कहने, तो प्लस इंडीकेटर डायग्राम जी कहने, इन्हें आप सारे सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हूँ वर्क डन कि बराबर होंगे एरिया अंडर द कर्व, आ चीज़ के जोड़ा कर्व के अंडर एरिया आजगा उन्होंने वर्क डन के बराबर आप कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उस तो बाद वर्क डन ऑन द सिस्टम नोट ए परफेक्ट डिफेंशियल, जोड़ा वर्क डन आप सिस्टम ऑन ए सिस्टम करते हैं परफेक्ट डिफेंशियल नहीं होंगे, कारण की है जो मैं वर्क डन किया देखो इतों इतने तक गया पहला सिस्टम वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, फिर मैं दोबारा वो वर्क डन किया उन्होंने मैं कंप्रैस करता, हूँ कंप्रैस करने लगी जो जान लगे जो एक्सपेंड होया उदो पाथ आ सी, तो जो वापस किया तो आया पाथ, ठीक है। हूँ जोड़ा वर्क डन है ए सी बी के अंडर कि आ गया वो आ गया एरिया, एरिया अंडर का कर्व दिस वन आ सारा ए सी बी के अंदर जोड़ा कर्व, हूँ जो मैं वापस लेके जाऊँगा तो एरिया अंडर का कर्व आ गया नीचे वाला, ठीक है। तो नैट अमाउंट ऑफ जो वर्क डन आ गया वो इन बिटवीन आ गया आ वाला आज पिछला आ वाला आ वर्क डन आ गया, यदा मतलब कि वर्क डन डिपेंड किया क्योंकि पहला जाते हुए वर्क डन ज़्यादा सगा आते हुए वर्क डन घट हो क्योंकि एरिया अंदर कर्व घट गया, यद मतलब की है कि डिपेंड करता पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। इस करके जोड़ा डबल्यू आ पहला वाढ़ से दूसरे वाला घट सगा, इस करके की है डिपेंड किए करता पाथ से, जी पाथ डिपेंडेंट होंगी चीज़ है उन्होंने परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं लिखते, उन्होंने आप पार्शियल डेरीवेटिव लिखते हैं, इस करके अपन डेल्टा डबल्यू लिखा नॉट ए डी डबल्यू, ये ध्यान रखना आप सारी बुक के एक डेल डी क्यू नहीं लिखना कदम भी डेल्टा क्यू लिखना, एक डी डबल्यू नहीं लिखना डेल्टा डबल्यू लिखना, क्योंकि दोनों की ने पाथ डिपेंडेंट ने पार्शियल डेरीवेटिव लिखना। इस तो अगर थोड़ा मैं दस फस्ट चैप्टर भी आप पढ़ा फस्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फस्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहता वाई स्टेट डैट कहना हीट कहना क्यू डेल्टा क्यू हीट सप्लाई टू द सिस्टम की है द पार्ट ऑफ द हीट कन्वर्टेड इन टू वर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीट है कहना रिटेन द इंटरनल एनर्जी कहना जो आप हीट ऐड करते हैं किसी सिस्टम से उसके जी हीट का सम पार्ट आ वो कन्वर्ट हो जाता वर्क डन के रिमेनिंग पार्ट जो सिस्टम का जी आप हीट एंटर की है ऐड की है वो इनक्रीज कर देता इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो डेल्टा क्यूज इक्वल टू डी यू प्लस डी डबल्यू के बराबर रहता है। ये अपना सैक फस्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। उस तो बाद कहना सम आप थर्मोडायनेमिक प्रोसैस पढ़ने ने, एक तो आइसोथर्मल प्रोसैस होंगे, आइसोथर्मल प्रोसैस की है जिसे कि टैंपरेचर मेन्स कॉन्सटेंट है इस सैट टू बी आइसोथर्मल प्रोसैस, ठीक है। डेल्टा के उज इकडू ये हम जब आइसोथर्मल प्रोसैस करा तो और डी यू की वैल्यू कि जीरो चेंज इंटरनल एनर्जी क्यों डिपेंड करती है टैंपरेचर से,
ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡੀਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਡੀਯੂ ਪਲੱਸ ਪੀ ਇਨਟੂ ਡੀ ਵੀ ਡੀਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਡੈਲਟਾ ਡਬਲਯੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀ ਇਨਟੂ ਡੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ਾਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟਡ ਹੋ ਜੂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਬੈਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਈਸੋਬੈਰਿਕ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਡ ਟੂ ਵੀ ਆਈਸੋਬੈਰਿਕ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੇਨਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਬੈਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਡੀ ਯੂ ਪਲੱਸ ਪੀ ਇੰਟੂ ਡੀ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਲੀਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਿਮੇਨਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੋਲੀਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਡਿਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਡਿਆਬੈਟਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਿਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡੈਡੀ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਯੂ ਪਲੱਸ ਪੈ ਡੈਲਟਾ ਡਬਲਯੂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਫ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਉਲਟ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕ ਡਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਜ਼ ਵਰਕ ਜੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਐਂਡ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਐਂਡ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲੀਮ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟੂ ਡੀ ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਮੋਲ ਆਫ ਗੈਸ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੀ ਯੂ ਪਲੱਸ ਪੀ ਇੰਟੂ ਡੀ ਵੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਵੋਲੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਲੀਮ ਕੈਂਪਟ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਯੂ ਡੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਡੀ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਇਨਟੂ ਜੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਥਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਯੂ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਐਂਡ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲੀਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਟ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਟ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕੋਲਡ ਬੋਡੀ ਬਟ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਸੰਪਰਨ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਕੋਲਡ ਬੋਡੀ ਟੂ ਹੋਟ ਬੋਡੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਹੀਟ ਗੇਨਡ ਰਿਮੇਨਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਬੋਡੀ ਟੂ ਹੋਟ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਆ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਆ ਸੰਪਨੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟਡ ਹੋ ਗਈ ਹੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਟੂਗੈਦਰ ਕੀ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਗੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਹ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੂਜਾ ਆ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰਗੋ ਸਾਈਕਲਿਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਅਬਜ਼ਰਬਿੰਗ ਦਾ ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਐਂਡ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ਰਬ ਕਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਫੋਰਬਿਡਨ ਬਾਏ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਬਟ ਸੋ ਨੋ ਸੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਬਜ਼ਰਬ ਕਰ ਲਈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ਰਬ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟਡ ਕਰਤੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਰਕ ਡਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ
ये मैं थोड़ा मैं पहला भी डेफिनेशन करवा चुके हैं, इन दोबारा दोबारा रिपीट करने की लड़ नहीं। कैलविन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, एक सेल्सियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, ये मैं थोड़ा दोनों करवा चुके हैं पहले चैप्टर के, ठीक है उन्होंने रीड कर लियो। कैलविन स्टेटमेंट की कहती है भी कोई भी इंपॉसिबल टू मीन इनिशिएट द मटीरियल एजेंसी टू ड्राइव द मकैनिकल इफेक्ट फॉर एनी पोर्शन ऑफ द मैटर, जी मैटर है उन्होंने कूल कर सके जो सराउंडिंग टेंपरेचर घट कूल कर सके विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। अगे कहना कोई इंपॉसिबल सैल्फ एक्टिंग मशीन इस तरह की कोई नहीं बनी जी अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी कन्वर्ट हीट कर सके वन लो टेंपरेचर टू हाई टेंपरेचर तक, ठीक है जी। ये दो अपने डेफिनेशन सी सैकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दीयां, दोनों एक दूजे जी दोनों स्टेटमेंट ने इक्वलेंस ने, ठीक है नेगेटिव स्टेटमेंट ने, ठीक है दोनों एक दूजे फॉलो कर दिए ने, ठीक है वो आप प्रूव किया है। हूँ कहना देखो आ टेंपरेचर एक हाई टेंपरेचर एक लो टेंपरेचर से, ठीक है हुण इहदे विच आपां इक रिवर्स दे विच एक इंजन इंजन लै लिया एक रीजनरेटर लै लिया, ठीक है दो चीज़ां ने इहदे विच, एक तां हैगा अपने को सपोज आर इज द ट्रांसफर हीट आ एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम द सिस्टम लो टेंपरेचर हाई टेंपरेचर लैके जाता, ठीक है जिहड़ा ई आ वह की लैके जाता वा उहनूं हाई टेंपरेचर लो टेंपरेचर, एक रेफ्रिजरेटर के तौर पर कम करता एक समझ लो तुम हीट इंजन के तौर पर कम करता, इन्हें हाई टेंपरेचर लो टेंपरेचर हीट रिजेक्ट करती। हूँ इन्हें क्यू वन इतों हीट लती, इन्हें क्यू टू रिजेक्ट करती, समॉल अमाउंट ऑफ जी हीट जी वर्क ट्रांच कन्वर्ट होगी जी क्यू टू मीनस क्यू वन जा यही आर इन्हें लैके इनू कपलिंग करके आप इन्हें की करता इनू हाई लो टेंपरेचर आप हाई टेंपरेचर लै गई। हूँ यह साइकिल ऑपरेशन चलन लग गया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा जी हीट बहुत घटनी आएगी, क्यों क्योंकि इस अमाउंट ऑफ वर्क डन कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ टेंपरेचर की है सराउंडिंग नो घट जूगा, तो यह की है वॉयलेटेशन करता भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनी जी की है वह टेंपरेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी तो उन्होंने घट कर सके, ठीक है जी। इस तरह दूसरा, ठीक है ये है इक्वलेंस दोनों स्टेटमेंट का, ठीक है अगे सिग्निफिकेंस ऑफ सैकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है की स्टेटमेंट्स ने, ठीक है ये पढ़नी आप, मैं तुम्हें दोबारा सारी दस दिना एक बार, वैसे पहला आप पढ़िया हुई ने सैकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट अपन सिग्निफिकेंस की ने। कहना एज एक्सप्लेन अर्लीयर द स्टेटमेंट ऑफ सैकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स है दोनों, इंपॉसिबिलिटी टू अकरेंस ऑफ सर्टेन थर्मोडायनेमिक प्रोसैस विच माइट अदरवाइज द अलाउड टू द नैचुरल लॉ लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो करते हैं दोनों नैगेटिव स्टेटमेंट्स ने, ठीक है इस कोई गलत नहीं क्योंकि भी इस तरह है ही कोई चीज़ बन सकती। दूसरा द डिवाइस कैन ऑपरेट इन साइकिल कन्वर्टेड हीट इन टू फ्रॉम द वन सम इन कन्वर्टेड इन टू वर्क इस गल प्री मुचले सैकंड गाइड, कहना ये डिवाइस है कैन ऑपरेट इन साइकिल कन्वर्टेड द हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम सम सिस्टम कंप्लीटली इन टू वर्क, कहना कदे भी कोई इस तरह की डिवाइस नहीं बनी जी साइकिल ऑपरेशन के वर्क करे सारी हीट उन्हें सिस्टम तो ले ली सारी कि सिस्टम लैके उन्हें सिस्टम ने उन्होंने सारी कन्वर्ट करता वर्क टर्म के और लॉस होगी होगी, ठीक है जी। इन प्रीमेचर मशीन कह सैकंड इंपॉसिबल ने। अगे सेल्सियस स्टेटमेंट सैकंड ऑफ थर्मल रेफर टू द सेल्फ एक्टिंग मशीन द मशीन डर नोट नीड टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इस ऑपरेशन, ठीक है ना वो सैल्फ एक्टिंग मशीन वो होंगे ने या प्रीमेचर मशीन वो होंगे ने जिन्हों अपना परफॉर्मेंस देने की ऑपरेशन करने की किसी एक्सटर्नल एजेंसी की लड़ नहीं होंगी। तीसरा चौथा पॉइंट की है ये भी उ सैल्फ एंड कन्वर्टेड इन टू वर्क एंड कन्वीन स्टेटमेंट, ठीक है इट इज इंपॉसिबल टू डिजाइन ए मशीन और हीट इंजन डेट ऑपरेट इन साइकिल विद अबजॉर्ब हीट फ्रॉम द सम सिस्टम सोर्स कंप्लीट इन टू वर्क, ये सेम वही चीज़ कह रहे हैं वा बार बार वही चीज़ा रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अगे सैकंड थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट टूवर्ड द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेशन प्रोसैस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क इन टू हीट, ठीक है इरिवर्सिबल प्रोसैस फॉलो करता भी इरिवर्सिबिलिटी है नहीं दोबारा वापस नहीं हो सकता भी हीट में आप वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते ज वर्क में हीट से, ठीक है। उस तो बाद अपने को एक रिलेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सी पी मैन सी वी जी गुड आर आप प्रूव करना होंगे द इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस है फंक्शन ऑफ टेंपरेचर है, ठीक है तो जे हम आप सी वी की गल करते हैं तो अपनी जी इंटरनल एनर्जी फंक्शन हो जूगी वी एंड वॉल्यूम एंड टेंपरेचर से,
वन ओ एम हूँ इन डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पैक्ट टू डी। ठीक है, पहले इन डिफरेंशिएट किया करली यू दो वेरीएबल ने करली यू अपन करली डी एंड कॉन्सटेंट वी इंटू डी टी आ गया प्लस करली यू अपन करली वी एंड कॉन्सटेंट टी टेंपरेचर हूँ एजेंट एक बार ओवर डायरेवेटिव एक बार ओवर डायरेवेटिव। ठीक है, हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहता वा डेल्टा के यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। डी यू की वैल्यू अपने को आ पई है। ठीक है, मैं मार्कर ले लैंना डी यू की वैल्यू अपने को कितने पई है आ पई है ये डी यू वैल्यू आप पुट कर दो तो अपने को डी यू की वैल्यू दिस बन आ गया। हूँ डिवाइडिंग कर बोथ साइड बाय डी टी ने डिवाइड कर दो ना दोनों। ठीक है, तो अपने को आ रिलेशन आ गया। हूँ डेल्टा क्यूब हूँ डेल्टा टी एट कॉन्सटेंट प्रैशर से की उन्होंने लिखते सी पी लिखते हैं आप। ठीक है, तो कॉन्सटेंट वॉल्यूम से आप सी वी लिखते हैं तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्सटेंट वी इज इक्वल टू सी वी आ गया। ये दोनों वैल्यू आप पुट कर देनिया ने देखो एक आ गया सी बी पी एक सी वी मन आ अपने को नहीं आ गया। हूँ कह जी परफेक्ट गैस है उस करली यू अपन करली वी एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर तो की होंगी है जीरो तो हर चीज़ अपने को जीरो आ गई तो अपने को सी पी मैन सी वी इज इक्वल पी डी वी अपॉन डी टी। हूँ परफेक्ट गैस लिए पी वी इज इक्वल आर टी बराबर होंगे आप इतों पी इंटू डी वी की वैल्यू कढ़ लेनी है जहाँ पी इंटू डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कढ़ लेनी है। पी इंटू डी डायरेक्ट कर दो पी इंटू डी वी आर इंटू डी टी आ गया तो आर डी टी नीचे लेंदा तो पी इंटू डी वी पॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई आर ये वैल्यू आप इतने पुट कर दो तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर आ गया सी पी मैन सी वी इज इक्वल टू आर आ गया। ठीक है, ये आर्टिकल जो आप जो चैप्टर इतने तक करते हैं क्योंकि मैं देखता भी मेरी जी अपना आवाज़ है वो सारे तक सही पहुँच रही है नहीं पहुँच रही तो जो नैक्सट चैप्टर ये सैकेंड पार्ट के कंप्लीट करा। धन्यवाद, सत श्री अकाल।